हम अपनी 90 से 99% बीमारियों को भारतीय योग आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं तो अंग्रेजी दवाओं से बीमारियों को कंट्रोल करने के नाम पर प्रतिवर्ष 8 से 10 लाख करोड़ रुपए की लूट आखिर क्यों? भारत का जमा किया गया लगभग 250 से 300 लाख करोड़ रुपए जब हम देश में वापस लेकर के आएंगे तो भारत एक ही दिन में गरीबी, भूख, अभाव व अशिक्षा से मुक्त हो जाएगा। ये कौन शख्स उतरा है भारत के धरातल पर जो इतनी निडरता से इतनी बड़ी ताकतों को ललकार रहा है? मैं एक व्यक्ति नहीं, मैं संपूर्ण राष्ट्र के व्यक्ति हूँ। मैं संकीर्ण नहीं, विराट। इतना प्रबल समाज सुधार का बिगा, इतनी तन्मयता, किस मिट्टी का बना है ये बाबा रामदेव? मेरे तन में ही मेरा वतन बस रहा है। मैं जो भी कर रहा हूं सब प्रभु की पूजा है। मेरा प्रभु सदा मुझ में है और मैं सदा प्रभु हूं। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने इस ऋषि मुनियों की पवित्र भूमि पर जन्म लिया। भारत के छोटे से हरियाणा के गांव अलीपुर जिला महेंद्रगढ़ में कुछ साल पहले एक साधारण संयुक्त परिवार में किसान राम निवास व मां गुलाब देवी के यहाँ एक ऐसे बच्चे ने जन्म लिया जो बचपन से ही परिश्रमी था। दिन भर वो पढ़ता या घर में बड़ों की सेवा करता या फिर खेतों में किसानी में हाथ बटाता। वो तो बिना माँ बाप के कहे ही सेकेंड हैंड किताबें खरीद, टायर की चप्पल पहन अपने पे बचत करता और अगर कहीं वो चप्पल टूट जाती तो उस पे कोई चिथड़ा बांध अपने ध्येय की ओर आगे बढ़ जाता। बचपन से ही स्वामी रामदेव को संघर्षों का सामना करना पड़ा। शिशु अवस्था में ही चेहरे को लकवा मार गया था। 6 साल की उम्र में गांव के तालाब में अरे राम दूसरी डूब गया, बचाओ! और उसी अवस्था में एक बार अपनी बहन के साथ खेल खेलने ही माथे पर बड़ा घाव आया, हाथों पर पैरों पर चोटें आईं, पर हौसलों पर नहीं। आंगन में आ गया छत पर से, तो मेरे को तो ऐसा लग गया कि अब बच्चा बचेगा नहीं, तो फिर भगवान ने बचा लिया। उसकी माँ उसकी प्रेरणा थी, जो दिन भर परिश्रम करती थी, उत्साह और उमंग से, सहजता और सरलता से, और साथ में प्रेरणा थी भारत की अनेकों महान विभूतियों के। देश मेरे, देश मेरे, सलाम शहीदों तुम पे होता गुरूर। हर दुखी के आंसू पहुंचना हर भारतीय का कर्तव्य। खौलता खून बढ़ता नसों में जुनून है। उसे उत्तेजित कर देती थी उनकी गाथाएं और एक सवाल जो बालक रामदेव खुद अपने से पूछता। भगवान ने इन महान शख्सियतों को भी तो मेरी ही तरह दो ही हाथ, दो ही आंखें व एक मस्तिष्क दिया था, तो फिर मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा। आज आप सभी के सामने आज एक दर्द एक करुणा गौ माता की आपके बीच में पेश की जाएगी। गौ माता झूठों पे बोले,
के जिंदगी से मारी गौ माता पे आरा चले काट पीट के गौ माता की ये चरबी छाती जा से देख हिंद देश तेरा धर्म खत्म किसे मालूम था वो महान कार्य का क्षेत्र तैयार हो रहा था वहीं उसी गांव में पीड़ा के रंग से मेरा क्यों हो गया मैंने भी अपने साथ ले जा उनके पास पैसा नहीं था तो तुमने क्यों ना मदद की उनकी बेटा किसान के पास पैसे कहाँ आए हमें उसे अनाज भिजवा पाए थे वो बेचारा उससे कर्जा कैसे चुका था तो सरकार से क्यों ना मदद मांगी उनने क्या हाँ हमारे स्कूल में बताया है सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं निम्न वर्गों की मदद के लिए बनाई तो है राम किसान पर वो गरीबों तक पहुंचेगी कैसे क्यों गरीब सरकार से बहुत दूर रहता है अरे भाई बीच में पैसा खाने खिलाने वाले भी तो हैं। किसी और का पैसा लेने पर ये तो अधर्म है पाप है राष्ट्रीय अपराध ये विषय पाप के हो या राष्ट्रीय अपराध इब यही बोलते मारे यहाँ राम किसान अरे क्यों बालक की मासूमियत छीन दे सो भाई रे मासूमियत ना छीन रहा हकीकत से सामना करने लग रहा सो ताकि यो पटरी पर आ जाए देश मेरे सलाम शहीदो तुम पे होता गुरूर है खोलता खून बढ़ता नसों में जुनून है चाहे कितने भी अब कांटे बिछे हो चाहे कितने भी अब शोले बिछे हो हार नहीं मानेंगे ये तो वक्त ही बता पाएगा कि ये अध्यापक रामदेव को पटरी पर ला पाए या रामदेव समाज को पटरी पर लाए वाह यूं हमारी धर्मशाला में कुछ दिन के लिए एक ब्रह्मचारी रहने को आए उनका हमारे यहाँ के बालकों के साथ मेल जोल होने लगा वह बालका ने बतान लागे गुरुकुल की बातें वह पढ़कर सुनान लागे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की किताब भारत की प्रगति तभी होगी जब यहाँ के लोग जातिवाद से मुक्त होंगे भारतीयों को अंग्रेजों से भी आजाद होना है और अंग्रेजियत से भी और भारतीय कमजोरियों से भी जैसे अंधविश्वास नारी शोषण खाना खा लो आ रहा हूँ जिस प्रकार समाज में फैली कुरीतियों को देखकर स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मन पीड़ित हो उठता वैसे ही बालक रामदेव का भी जैसे जैसे स्वामी दयानंद स्वतंत्रता संग्राम व स्वदेशी राज का नाद बजाते वैसे ही बालक रामदेव भी देश के लिए कुछ करने को मचलने लगते कहते हैं हम किताबों को नहीं ढूंढते कुछ किताबें ही हमें ढूंढ लेती हैं वही हुआ इन पुस्तकों ने जगा दी एक नई वैज्ञानिक सोच बालक रामदेव में अब तो इस बालक को जिला स्कूल छोड़ गुरुकुल में ही पढ़ना था क्योंकि बालक रामदेव ने पढ़ लिया था मैकॉली का कथन कि उस समय के ईमानदार भारतीयों को उन पर अंग्रेजी शिक्षा थोप कर ही गुलाम बनाया जा सकता है अंग्रेजी संस्कृति के सामने उनके अंदर हीन भाव पैदा कर नहीं बनना था उसे मैकॉले की इस षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा एक दिन वो माता पिता को बिना बताए
से कुछ पैसे निकाल चल पड़ा गुरुकुल की तलाश में। लक्ष्य साफ था मगर रास्ता नहीं। निकल तो पड़ा था गुरुकुल की तलाश में पर न रहने का ठिकाना था न खाने का और पैसे भी थोड़े ही थे। हरियाणा से ढूंढते ढूंढते जा पहुंचा रुड़की। वहां गुरुकुल तो मिला नहीं पर कच्चा चिवड़ा खाकर पेट दर्द जरूर मिला। रुड़की से बस जैसे तैसे बालक रामदेव मेरठ को निकल पड़ा। मेरठ पहुंचकर एक गुरुकुल का पता भी चल गया पर हम तो छोटे बच्चों को लेते हैं महोदय, आपकी तो दाढ़ी मूंछ भी आ गई है। मेरठ से घूमते हुए वो जा पहुंचा कालबा गुरुकुल पर हम तो बड़े विद्यार्थी को प्रवेश देते हैं भाई मेरे, आपकी तो अभी दाढ़ी मूंछ भी नहीं आई। आखिरकार हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने इस बालक को प्रवेश दे ही दिया। आर्यवीर, यही तो समय है उठने का। फिर तो जुट गए बालक रामदेव गुरुकुल के कार्यकलाप में। और इसी गुरुकुल शिक्षा प्रणाली में बालक रामदेव का परिचय हो गया एक अलग जीवन पद्धति योग से। यही आगे चलकर इस बालक की पहचान बनने वाली थी। बालक रामदेव ने देखा कि गुरुकुल में न सिर्फ पढ़ाई पे जोर दिया जाता बल्कि शारीरिक उन्नति को भी बराबर का महत्व दिया जाता और सेवाओं में भी शिक्षा दी जाती ताकि बड़ी बड़ी नौकरियों की तैयारी में विद्यार्थी छोटी छोटी सेवाओं को न भूल जाए। बड़ा साहब बनने की दौड़ में उदारता में बौने न रह जाए। हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में हमारे पूर्वज ऋषि मुनि विद्यार्थियों को अभाव तप और संघर्षों की भट्टी में तपाते थे जिससे कि जिंदगी में वो संघर्ष
संघर्षों के बीच और प्रतिकूलताओं के बीच सफलता के शिखर पर पहुंच सके। और मुझे तो तपस्वी भी बनना था। क्या हो गया ब्रह्मचारी? कुछ नहीं गुरुजी, सरजी पर विजय पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आपने कहा था ना, जो तपस्वी बनना चाहे उसे सर्दी व गर्मी सहन करने का अभ्यास करते रहना, बस वो ही कर रहा था। कैसा ग्रहणशील है मेरा ब्रह्मचारी, तुम्हारा संकल्प सदा पूर्ण हो। इसी खातिर जन्मा था क्या तन्ने, कि तू घर छोड़ के भाग लियो? तन्ने सुना नहीं, चल घर वापस। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या बुराई थी उस स्कूल की पढ़ाई में? बहुत सी बापू। बस अपनी माँ का भी ख्याल नहीं रखता तन्ने? बहुत है बापू, और आपका भी और परमेश्वर का भी। अरे ख्याल है तो मेरी गर्दन क्यों नीचे गिरा रहा है? वो तो यहाँ ब्याही हमारे गांव की बेटी ने तन्ने पहचान लिया, तभी तो पता लग गया हमने तेरा। वो बोली राम निवास किया राय ना था तो हम भिजवा देते, लड़के से भीख क्यों मंगवाने लग रहा? बापू ये भीख नहीं है, ये भिक्षा है। भीख तो तब होती अगर हम काम चोरी करते, ये सच में गर्दन नीची करने के लिए ही है। अगर अहंकार है मन में तो ज्ञान किस काम का? तो और ये भी समझना है कि गरीब से गरीब तक के अन्न जल से पोषण हुआ है हमारा, तो उनके प्रति कुछ कर्तव्य है हमारा। ये तो सीधा साधा चल रहा है कि हाथ पटा तोड़ तेरा मैं, पर वचन देने लग रहा है। बापू कुछ भी तोड़ दो, जान भी ले लो, तो भी मैं ये भारतीय शिक्षा प्रणाली नहीं छोड़ूंगा। मैंने सोचा मैं ढूंढू तो कहाँ ढूंढू, फिर 15 दिन बाद में फिर मिलिया तो फिर थोड़े से एक इमरा तिमरासी हुई, तो उन्हें बोला कि माँ मैं तो देश की खातिर अच्छा काम करूँगा, तू रोया मत कराना, तू मेरे को आशीर्वाद दिए जा, मैं अच्छा ही काम करूँगा जो भी करूँगा जो। इसी प्रकार दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में ऐसा ही एक और जिज्ञासु बालक बाल कृष्ण शिक्षा ले रहा था, जबकि गुरुकुल के परिश्रमी वातावरण में प्रायः बच्चों को उनके माँ बाप भेजते हैं, पर नन्हे बाल कृष्ण भी बालक रामदेव की तरह स्वेच्छा से दूसरा स्कूल छोड़ यहाँ पहुंचे थे। ये होनहार भी घर वालों से बिना बताए निकल गए थे गुरुकुल के लिए। उन्होंने तो गुरुकुल में जाने के पैसों की भी कहीं और से व्यवस्था करा ली थी। जैसे बालक रामदेव का सबसे प्रिय शब्द क्यों था, वैसे ही इन सपूत का भी। वो तो कभी अध्यापकों के सामने प्रश्नों की झड़ी ही लगा देते। माननीय गुरुजी, आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रृंगारस क्यों था, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो कहा है कि विद्यार्थियों को उत्तेजित करने वाले दृश्यों से दूर रखना चाहिए। दूसरा, आज परीक्षा में एक विद्यार्थी को नकल करते देख मेरा मन बहुत उदास हो गया। कोई नकल करता है या गलत काम करता है उसका फल ईश्वर उसे देगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं। इन उत्तेजनाओं का परिणाम ये होता कि वो एक गुरुकुल छोड़ दूसरा गुरुकुल ढूंढने निकल पड़ते। और ये खोज उनकी जारी रहती, जिसका एक लाभ ये हुआ कि उन्हें अलग अलग प्रणाली की सोच जानने को मिली। दूसरा लाभ इस खोज का ये हुआ कि जब वो हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में जा पहुंचे तो वहां उनका परिचय बालक रामदेव से हो गया और जल्द ही ये दोस्ती में बदल गया। ब्रदी, आप कितना परिश्रम करते हैं?
आप कब से यहाँ हैं? बस जब से जिला स्कूल छोड़ा इसी गुरुकुल में हूँ। मेरी तो 3-3 बदली हो चुकी है। क्यों मन स्थिर नहीं है? जब कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते तो मन अस्थिर हो जाता है, और अत्याचार दिखे तो भी मन अस्थिर हो जाता है। अन्याय को तो मैं बिल्कुल ही सहन नहीं कर पाता हूँ। नमस्ते दादी। बाल कृष्ण, गुरुकुल पहुंचते ही एक पुस्तक दूंगा पढ़ने को। मैं तो इसे बांटता हूँ लोगों को, ताकि उन्हें अपने जीवन के सत्य के बारे में तो पता चले। लोग वैसे अंधविश्वास में जीते रहते हैं। हाँ ब्रह्मचारी, तैयारी जोरों पर है? जी गुरुजी। सूत्रों की स्मृति तत्काल आनी चाहिए और उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए। ले सच चू चरती तुमा वेक वचने निष्ठा भारतीय बालक और बालिकाओं की अष्टाध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जाता है। इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, इतनी कि जब जिज्ञासु बालकृष्ण फिर किसी और खोज में निकल भी जाते तो भी पत्र व्यवहार से अपने सहपाठी रामदेव से संपर्क न छोड़ते। ये कोई पूर्व जन्मों का साथ था या कोई अधूरा कार्य जो इन दोनों को मिलकर पूरा करना था? वैसे उस वक्त ये मालूम कहा था, उस वक्त तो मन इधर उधर भी चला जाता। मुझे पता चल गया मुझे क्या बनना है। मैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ूंगा है जिसे कोई नाराज के। अरे वाह। और फिर कुछ ही पलों में ये मन हार भी जाता। ये तो मालूम था कि कुछ बड़ा काम करना है। बहुत सा ऐसा कुछ बाहर समाज में घट रहा था जिसे इन दोनों को बदलना था। इस तैयारी में प्रभु ने एक और कड़ी विद्यार्थी बालकृष्ण की शिक्षा में ला दी। बालकृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ गए थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहते थे। विद्यार्थी बालकृष्ण तो जैसे उमड़ पड़े ज्ञान के इस अनमोल खजाने के। जड़ी बूटियां क्या सचमुच इतने रोग दूर कर सकती है? किस पे आजमाऊं? क्या
वेदों का पाठ याद करने के लिए बैठा है, तुम यहाँ क्या कूट रहे हो? जी जड़ी बूटी, आयुर्वेद तो वेदों का ही है ना गुरु जी। कुदरती जिज्ञासा थी विद्यार्थी बालकृष्ण में आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर, पर सिर्फ ज्ञान से अच्छा चिकित्सक नहीं बन जाता कोई। ये सीखने को मिला था बालकृष्ण को बनारस में अपने गुरु रघुनाथ आनंद अवधूत जी से। बस मुझे लगा जब गुरुजी ये काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस फिर करने लगा उन वृद्ध बाबा की सेवा। मेरे अंदर जो घिन आदि के भाव थे वो भी सब खत्म हो गए और सिर्फ रह गई कोरी सेवा। इतना कुछ सीखने को मिल रहा था इस गुरुकुल प्रणाली से, पर अफसोस है गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति शहर के लोगों में ही नहीं गाँव के लोगों में भी भ्रम बना रहा। इसका कई बार मैं स्वयं गवाह रहा हूँ। देखो कितना सितरा छोड़ा है वो बेचारा, मोड़ा ना फंसा लिया, मार होती होगी बेचारे की। घुमराह कर देंगे इसने, इन्हीं घने सखत हो गए हैं। मैं तो मेरे छोरे ने कलर्क बनाऊंगी इसकी तरह को नहीं। मैं तो अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी, इधर पटर पटर कराएगा वो अंग्रेजी में। मैं तो गुरुकुल में कते दिन ना डालूं। इनका जो भी भ्रम रहा हो भारतीय शिक्षा पद्धतियों के बारे में, पर बालकृष्ण और रामदेव का विश्वास इसी प्रणाली पर बना रहा और इसी गुरुकुल प्रणाली से रामदेव ने अपने गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी से महर्षि पाणिनि की व्याकरण की पहली अष्टाध्यायी याद कर ली। फिर गुरुकुल कालबा में गुरु आचार्य बलदेव जी से व्याकरण सहित वेद वेदांग की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण से आचार्य रामदेव। उसके बाद भारतीय दर्शन उपनिषद और वेदों के गहन अध्ययन के लिए आचार्य रामदेव देश के कई क्षेत्रों में गए, कभी दक्षिण के विद्वानों के पास तो कभी सौराष्ट्र तो कभी महाराष्ट्र के विद्वानों के पास। कई विरले योगियों से योग की बारीकियां समझी। युवावस्था में प्रवेश किए बालकृष्ण भी इस बीच गुरुकुल की पढ़ाई करके बाहर आ गए और अपने प्रिय विषय जड़ी बूटियों से निरोग्यता के अध्ययन में जुट गए। कोई भी रास्ता कोई मंजिल उनके लिए दूर न थी। जहां जिस रोग के इलाज के बारे में पता चलता वे वहां पहुंच जाते। हिमालय पर बसे साधुओं से भूख और सर्दी को कम करने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला तो यहीं के वैद्यों से लिवर रोग और माइग्रेन ठीक करने वाली जड़ी बूटियों के बारे में पता चला। कई बार पारंपरिक ज्ञान ढूंढते गलत लोग भी मिले, पर ज्यादातर सीखने को ही मिला। वैसे ही आधुनिक विशेषज्ञ यानी बॉटनिस्ट से भी ज्ञान मिला और भेड़ बकरियां चराने वाले आदिवासियों से भी शिक्षा मिली अल्सर व चोट ठीक करने की। आचार्य रामदेव की यात्रा भी जारी थी जीवन दर्शन व योग की, लेकिन इसी यात्रा में एक और हकीकत भी सामने आ रही थी, बढ़ता भ्रष्टाचार और देश में गिरते मूल्य। बचपन की पीड़ा सुलग गई। इस आत्मचिंतन का नतीजा ये हुआ कि आचार्य रामदेव ने एक गुरुकुल का संचालन करने की सोची और वे जा पहुंचे गुरुकुल किशनगढ़ खासेड़ा। योजना ये थी उनके मन में कि
उन्हें अब गुरुकुल प्रणाली से कोई एक नहीं, कई कई चरित्रवान आईएएस आईपीएस ऑफिसर तैयार करने थे, जिनके जरिए वो भारतीय व्यवस्था के कायाकल्प का विचार बनाए थे। उधर देश भर में भ्रमण करते आयुर्वेद के ज्ञान से सशक्त हुए आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रणाली को जन जन में फैलाने के लिए इसकी चर्चा अपने मित्र आचार्य रामदेव से की कि वे अब गुरुकुल से निकलकर बाहर की दुनिया को संबोधित करें। आचार्य रामदेव भी कुछ ऐसा ही सोच रहे थे। और दोनों जा पहुंचे हरिद्वार। और यहां से ये दोनों सीधे उतर गए समाज सेवा में। अरे अरे महाराज, ये क्या कर रहे हो? ये हमारा काम है प्रभु, ये हमारा काम है। अपनी बस्ती में सफाई का आगे भी ख्याल रखना भाई। हाँ, अपनी बस्ती का ख्याल रखेंगे, सफाई से सही है। अरे महाराज, उधर वो माता जी का भी हाल पूछाते जी। चलिए। अरे जरा जल्दी जाओ, ये रोको, मैं इनसे बात करना चाहता हूँ। प्रणाम महाराज, गुरुजी आए आपसे मिलने के लिए। बेटा प्रणाम बाबा। राम राम बाबा, लाए मेरे लिए भी बेटा? हाँ माँ, लाया हूँ आपके लिए भी दवा। जीते रहो। प्रणाम महाराज जी। नमस्कार। नमस्कार महाराज जी। प्रणाम। बहुत प्रसन्नता हो रही है तुम लोगों को, बहुत प्रशंसा सुन रहा हूँ कई दिनों से तुम्हारी। यहाँ उन्हें मिला आमंत्रण श्री शंकर देव जी महाराज से उनके कृपालु बाग आश्रम को चलाने का। पर इस बीच तुम तो मेरे भगवान हो। देश के लोगों की गरीबी, अशिक्षा, अभाव व शोषण को देखकर उनका मन विचलित हो गया। दवा ले लेना, आराम हो जाएगा। और राजश्री देवी, कैसे हो? ठीक हो? राम राम महाराज। राम राम। हाँ, थोड़ा फायदा तो है आपकी दी दवाई से। बाकी फायदा तब होगा जब तुम्हारा आदमी तुम्हें दारू पी करके पीटना बंद कर देगा। वो ना सुनता मेरी। कहाँ हो? यही ठेके पे पड़ा हुआ है। और चलो हम ठीक करते, हम उसको समझाते। बहुत से परिवारों को शराब ने बर्बाद करके रख दिया महाराज। कौन हो, किस काम से आए हो? अरे भाई, तुम्हारे काम से आए। तो फिर मेरे आदमी की भी छुड़ा दो दारू। हे भगवान, तुम्हारा आदमी भी दारू पीता है? हाँ। कहीं पत्नी की बेबसी देखी पति के हाथ, तो कहीं पति की दुर्दशा देखी दमनकारी तंत्र के हाथ। कहीं जाति, प्रांत व भाषा के नाम पर देश में आग की लपटें दिखाई दी, तो कभी सांप्रदायिक दंगों में देश को धधकते देखा, तो कभी एक दूसरे के संप्रदाय को भी खरीदते देखा, धर्म फैलाने के लिए नहीं, अपने संप्रदाय को बढ़ाने के लिए। क्यों भाई, किस चीज की खुशी मनाई जा रही है? ये लोग अपना धर्म परिवर्तन करके जो आ रहे हैं। धर्म परिवर्तन क्यों? उनके पिताजी जो है बहुत बीमार थे, फिर जो है बाहर वाले लोग हैं ये आए और उन्होंने उनकी खूब सेवा की, मतलब दवा, घर खर्च सब, और फिर जो है उन्हें बताए अपना धर्म परिवर्तन कर देने के फायदे, सो इन्होंने कर दिया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध व बलात्कार की घटनाएं सुन मन दुखित हो उठा। ऐसा लगा इस पीड़ा से पैदा हुए आक्रोश से तो खुद अपनी ऊर्जा का पतन होगा। जब इतने सारे मुद्दों पे हल्ला बोलना है तो प्रथम आत्मशक्ति का संचय करना होगा, औरों को जगाने से पहले खुद को जगाना होगा। और पहुंच गए दोनों गंगोत्री में, भारत की तपोभूमि, गंगा की जन्मभूमि गंगोत्री। यहां आज भी कई कई पुण्य आत्माएं घोर ध्यान जप तप में बैठी हैं।
ये दोनों भी जा पहुंचे वहीं की गुफाओं व कंदराओं के बीच, उस तपोवस्था में पहुंचने जिसका संकल्प बचपन में किया था। अज्ञात में उतरकर ज्ञात को पाने, क्योंकि निर्विचार स्थिति में पहुंचकर ही दिव्य विचार का अवतरण होगा, स्वयं पर स्वयं की जीत होगी। क्योंकि जब प्रज्ञावान होकर इंद्रियों से भोग वासनाओं से आगे निकलकर सदाचार सत्य संयम रूपी योग मार्ग पर चलेगा, वही तो अपनी मंजिल पाएगा। वैसे भी इंद्रियों पर नियंत्रण और अध्यात्म की भूख यह बचपन से ही मेरे हृदय में थी, और वह भी तब जब मैंने 10 वर्ष का था, और समाज सुधार की भावना के बीज भी बचपन से ही मेरे हृदय में अंकुरित हो रहे थे। पिताजी, अगर आप बीड़ी हुक्का पीने की आदत नहीं छोड़े तो आज से मैं खाना नहीं खाऊंगा। रे दद्दू रे, रे पप्पू रे, रे राजेश, रे मेरी माँ सत रही है, सब लोग खाने वास्ते आ जाओ। चलो चलो खाना लाइए। खाना दी ना टेम को भूखा मार दी से, तो मेरी का खाना खान पाए तो मैं तो भूखा मार दी से मार को। न खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। अरे खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। खा ले। मैं नहीं खाऊंगा। इस पूर्णमासी को बाबा बक्शीदास जी के मंदिर में सत्संग के दिन छोड़ दूंगा हुक्का और बीड़ी। जब तो खाना खा ले बेटा। ले, बच्चा खाना नहीं खाता तो माँ के दिल में कुछ कुछ होता है बेटा। सुमित्रा, कुछ खबर मिली बेटे की? क्यों, तुम्हारा आदमी पता नहीं लगा रहा? क्या बताऊं, वो तो कहते हैं सही राह निकल पड़ा है बालकृष्ण, बढ़ने दो उसे, रोको मत। हाँ, तुम्हारे आदमी ने भी तो कितनी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की थी, अब क्या कहें। कोई कोई लोग अपना अच्छा भला घर छोड़कर जाने क्या ढूंढने निकल पड़ते हैं, जंगलों में पहाड़ों में, पता नहीं क्यों। जब तक ध्यान द्वारा व्यक्ति की स्वयं से पहचान नहीं होगी, उसकी आत्मशक्ति जागृत नहीं होगी। पर ये मन वश में आए तो ना, अर्जुन ने भी तो कहा था कृष्ण को कि वायु को काबू किया जा सकता है पर मन को नहीं। ध्यान में बैठने पर भी ये मन या तो खोया रहता है अतीत की यादों में या भविष्य की चिंताओं में। समझना यह है, अतीत व्यतीत हो चुका है तथा भविष्य अभी आया ही नहीं, अतः योग का अर्थ है वर्तमान में जीना। वर्तमान में जीना जी।
जीवन को उत्सव बनाना है। क्यों स्वामी जी, कुछ फर्क पड़ा? ये बालकृष्ण जी जब सेवा करते हैं बहुत फायदा होता है। देखना बालकृष्ण, एक दिन तुम बहुत बड़े वैद्य बनोगे। मन के पार जाने से ही व्यक्ति अपने अस्तित्व से जुड़ता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। गुरु जी, हमारा भाग में का लिखा है कुछ बताएं। अरे हाथ तो ठीक है, अपने कर्म अच्छे कर लो, भाग्य तो अपने आप ठीक हो जाएगा। बाबा जी आप खांसते रहोगे का, क्या तकलीफ है? लगता है आपको दमा की बीमारी। आओ मेरे पास आओ, आपको योग कराता। अतः योग का अर्थ है अपने केंद्र से जुड़ना और अपने ही स्वरूप का दर्शन समय करना। यही तो है साधना का पथ, मुक्ति का मार्ग। प्रभु दर्शन की एक एक क्षण, एक एक कण, अभीप्सा, प्रतीक्षा, जिज्ञासा, प्यास, भूख, विरह, मुमुक्षुत्व, जीवन में आने वाले समस्त दोषों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि क्लेशों, वह समस्त अशुभ का त्याग करते हुए भगवान के प्रति समग्र समर्पण, अनकंडीशनल सरेंडर, इनसे ही है मुक्ति पूर्ण नित्य। और कहो अनुज, कैसे हो? ठीक हो ना? कुछ कहने को मन ही नहीं लगता, बस प्रभु की आज्ञा के लिए तुम्हें तो जी चाहता। चाहते तो आचार्य रामदेव भी यही थे, पर क्या यही भूमिका थी उनकी इस जीवन में? आंधियों में भी दिया जलाएंगे हम, आंधियों में भी दिया जलाएंगे हम, दुखी जन का दर्द मिटाएंगे हम। आओ हाथ बढ़ाए, मज़रों को मिटाए, हौसले कम हो ना तेरे देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे। थे रोशनी लाएंगे हम देश मेरे, जो कहते थे रोशनी लाएंगे हम, कोने कोने से अंधेरे मिटाएंगे हम। ओके मोह में अंधे करके काले धंधे, सूरज को निकल गए तेरे देश मेरे। मेहता जी, बालकृष्ण, मैंने कुछ सोचा है। देश मेरे, बात तो करनी पड़ेगी और कुछ करना भी पड़ेगा। आचार्य रामदेव को लगा आत्मस्वरूप में आ जाने से जो ऊर्जा प्रकट हुई है उन दोनों में, अब उन्हें इस ऊर्जा,
इस बोध को वापस समाज में लगाना होगा, क्योंकि माँ भारती पुकार रही है अब उन्हें इस बार कुछ अलग करने के लिए। उन्हें लगा आगे की आध्यात्मिक यात्रा अब इन सेवाओं के साथ साथ करेंगे। प्रणाम बाबा जी। ओम प्रणाम भाई। बाबा जी हम आपको कई दिनों से ढूंढ रहे थे बाबा जी। बाबा जी हम पर आपका बड़ा उपकार हो गया। क्या हुआ? वो जो हम आपके साथ वो सांस लेने वाला व्यायाम करते थे ना, उससे हमें बड़ा फायदा हो गया। क्यों जग गई कुंडली? नहीं कुंडली नहीं जगी, लेकिन वो जो हमें मिर्गी के दौरे पड़ते थे ना हर दूसरे तीसरे दिन, वो नहीं पड़े अभी पिछले 3 महीने से। ये मेरी पत्नी है, इसको भी कमर में दर्द रहता था, गिर गई थी ना एक बार, मैंने भी इसको भी सिखा दिया वो सांस लेने वाला व्यायाम, अब इसको भी बहुत फायदा है। प्रणाम स्वामी जी, मेरा आर्टरीज में ब्लॉकेज हो गया था, अभी चेक करवाया तो पता चला कि वो 80% ठीक हो गया है। मैंने तो बस आपका वो सांस वाला व्यायाम। योग आत्मोन्नति के साथ साथ रोग निवारण का भी साधन है, ये तो पता था, पर इतने बड़े रोग भी योग ठीक कर सकता है? इसके प्रमाण जब गंगोत्री में सामने दिखाई देने लगे तो दिखाई देने लगा आगे का मार्ग और प्रभु का संदेश, जो अब उन्हें लोगों तक पहुंचाना था। हे प्रभु, हे मां गंगी, हम तेरे पुत्र आज ये दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम अब अपना संपूर्ण जीवन लोगों को निरोग बनाने में ही लगाएंगे, तो भारत को स्वस्थ समृद्ध व चरित्रवान बनाएंगे तथा अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक व गौरवान बनाएंगे, ताकि आगे चलकर फिर कोई उन्हें भ्रमित न कर सके। ये वादा है हमारा जननी मां भारती तुझसे। I'm not afraid.
भाई नहीं मिली क्या? अरे महाराज रुकिए तो जी, महाराज मिली मिली तो चले, पर ये प्रणाम महाराज, ये स्वामी जी भी मिले। स्वामी जी ने बताया गंगनानी के बुग्याल में बहुत सारी दिव्य वनौषधियाँ होती हैं, बहुत ही लाभकारी जड़ी बूटियाँ, यदि आप कहें तो महाराज जी। प्रणाम महाराज। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी कहाँ से आ रहे हैं? महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? हरिओम तत्सत, बाकी सब गपशप। उतर तो रहे थे मैदानों में, पर मन कहीं वही हिमालय में छूट रहा था। ऐसे सच्चे साधुओं के पास, गंगा के उस वेग में, तपोवन की विशालता में, उस पवित्रता में जो पल पल उस परम सत्ता के होने का बोध कराती है। आ गए। राह देख रहा था कब से, पता है? पता था कि हो न हो एक दिन तुम दोनों अवश्य आओगे और यहीं से अपना कार्य शुरू करोगे, यहीं हरिद्वार से मेरे गुरु कृपालु देव जी की तपोभूमि से, इस महान शहीदों वीरों की धरती से। यहाँ देश पर कुर्बान होने वाले वीर आया करते थे। हाँ, रास बिहारी बोस अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ यहीं तो गुप्त मीटिंग किया करते थे। यहीं से स्वामी शंकर देव जी के सहयोग से व सहयोगी स्वामी मुक्तानंद, स्वामी कर्मवीर व अन्य बंधुओं के साथ मिलकर सन 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट की स्थापना की गई। उस कृपारुबाग आश्रम से जहां कभी स्वतंत्रता संग्राम क्रांति का नाद बजता था, नाद आज भी स्वतंत्रता का ही था, मगर स्वतंत्रता मात्र अंग्रेजी राज से नहीं, हमें स्वतंत्रता चाहिए अपनी भीतर की इस पराधीनता से, आजादी चाहिए हमको बैकाले की शिक्षा पद्धति से जिसने सदियों तक हमको गुलाम बना करके रखा, आजादी चाहिए हमको अशिक्षा से, भूख से, अभाव से, दरिद्रता से, रोगों से। देखो जो मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ यह मेरा इजाद किया हुआ नहीं, बल्कि हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों से जो हमने योग और आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, मैं मात्र उसकी याद दिला रहा। कृपालु बाग आश्रम बन गया था रण क्षेत्र इतने सब मुद्दों का। अब करेंगे हम भुजंगासन के बाद प्राणायाम। देखने में ये प्राणायाम बहुत हल्का लगता है, लेकिन इसमें सब समस्याओं का समाधान है। गुरुकुल के पढ़े हुए संस्कृत पढ़ाने के अलावा कर ही क्या सकते हैं, कितनी बार सुन रखा था ऐसे तिरस्कारपूर्ण शब्दों को। मैंने सोचा मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मुझे कोई नहीं जानता होगा और वहां भी कुछ करके दिखाऊंगा, और फिर मैं पहुंच गया पोरबंदर। दोनों पैरों को सामने रखिए, हाथों को सांस भरते ऊपर उठाओ और धीरे धीरे छोड़ते हुए सामने झुकेंगे।
बहुत बढ़िया आचार्य जी, बहुत सरस। एवं छे के भाईओ अने बहनों, आचार्य जी आपने योग तो शिखवाड़ी रहा छे, पण ए पछी फ्री, एकदम फ्री छे, तमारी ट्रीटमेंट पण करशे। जिनको भी कोई रोग है क्यांय ना जाओ, आचार्य जी ने बताओ, हूँ गारंटी साथे कहूँ छू, बहुत आराम मिलेगा। ए मोटा भाई, आमने बताओ ने तमारो आर्थराइटिस। अबे मारे नथी बताऊ यार, नीम हकीम खतरे जान, पर तू समझ नहीं यार। अस्सलाम वालेकुम। हाँ अब्दुल, तुम्हें लगता है कि आप सचित कोई पीर छो? क्या हो गया? अरे साहब, वो बताता ना, वो एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर? ए जी जी जी, उससे तो मेरी एडी का दर्द बिल्कुल सर उतर गई हूँ साहब। रेकड़ी पे खड़े होने को नहीं बनता था, धंधा चौपट हो रहा था, पर साहब आपने जो दवा बताई थी वो बाजार में मिली नहीं रही। ये बात साची छे वो? ये जी, अत्यार सुधी बाजार में हमारी दवा मळे ज नहीं। ये जी जी, हमारे शुं करू तमे? क्यों वही तो, मारी वाली तो फिर मेरा भी करी दियो ने एक्यूप्रेशर, और दवा भी लिखी दियो। अरे तो ठीक है, जब शुद्ध आयुर्वेदिक दवाइयां बाजार में नहीं मिल पा रही तो तुम लोग खुद ही दवाइयां बनाना क्यों नहीं शुरू कर देते? कैसे, कहां से? यही कृपालु बाग आश्रम से, और कहां से? क्यों, तैयार हो? हाँ हमेशा। मुझे पता है, इसीलिए तो तुम्हारा इंतजार था। और मुझे ये भी पता है कि पूरे देश को तुम्हारा इंतजार है। तू चलता चल हर पल, तू बढ़ता चल हर पल, तू चलता चल हर पल, तू बढ़ता चल हर पल, शरणों को भाई। बालकृष्ण, ये किराया का पहला तो वापस कर दे, नहीं तो पता लगा 10 रुपए किराया और चढ़ जाएगा। अच्छा ब्रदर जी, साइकिल पे रख के लौटा आते हैं। ये अरे सब्र टूटे तो क्या है, हौसले छूटे तो क्या है, हस्ती को अपनी मिटा ले, आरज़ू को अपनी जगा ले, तू पतंग जैसा मचल, आग की आगोश में जल।
जी आज कुछ ज्यादा ही तेज हो गया पानी का बहाव। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल न हो। राधा जी आप अपना भी तो ध्यान रखा करो, ये दवाई ले लो। परंतु इनके संकल्प की दृढ़ता के विषय में पूछिए शंकर। सोच लो आचार्य राम, ये संकल्प आसान नहीं है निभाना। ब्रह्मचर्य आश्रम तो पूर्ण गरिमा के साथ निभाया तुमने रामदेव, अब तुम गृहस्थ आश्रम में जा सकते हो अगर जाना चाहो तो। जाना चाहो तो ना। सोच लो फिर प्रेम ना कर सकोगे। प्रेम ही तो कर सकूंगा, असीम प्रेम। इनका मतलब है परिवार, स्त्री प्रेम से इनका भी तो स्थान है जीवन में। उनको वो प्रेम मिले जिनको है उसकी तलाश। मुझे तो मेरे भगवान में ही माता पिता और सारा संसार नजर आता है। अब स्वामी रामदेव जी सन्यास धर्म का संकल्प लेंगे। विष्णा लोकैष्णा मया परित्यक्ता मत्तः सर्वभूतेभ्यो अभयमस्तु स्वाहा। मैं आज से पुत्र वैशिष्ट्य आदि के मोह से उपर उठकर अपने सन्यास धर्म का पालन करूं। मैं धन के प्रलोभन से मुक्त रहे मुझको प्राप्त आर्थिक व आध्यात्मिक सामर्थ्य को भगवान जी प्रसन्न वह लोक कल्याण के लिए करूंगा। मैं
मान प्रतिष्ठा की इच्छा का त्याग करके अनासक्त होकर अपना कर्म करूंगा। मैं आज से सब प्राणियों को अभय दान प्रदान करता हूं। बहन जी रो मत, आपने अपना पुत्र स्वामी रामदेव विश्व को अर्पित कर दिया है और उनका तो जन्म ही विश्व कल्याण के लिए हुआ है। उस वक्त तो लगा कि ऐसा बेटा जो संन्यास ले ले, यो मेरा तो बहुत ही विद्वान बेटा था, बहुत पढ़िया करता, मैं तो न जानो मेरे लिए कुछ करेगा, तो अब तो देश की खातिर सब कुछ कर रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पापा, गाड़ी चलान दे। हाँ भाई, ए, ओ महाराज, कहाँ बैठते बड़े वैद्य जी? उस तरफ वहाँ बैठते हैं। उधर। अरे छेड़ मत इसे। बेटा चुप बैठो, बड़े डॉक्टर आने वाले हैं। इंजेक्शन लगाएंगे। चुप रहो, देखते नहीं पापा के गर्दन में दर्द है। अरे संभालो, इन्हें कुछ तोड़ दार देंगे। क्या कभी अंदर, कभी अंदर, कभी अंदर। अबे तुझे कमा के खिलाने के लिए तो दर्द हुआ है, और तू एक जाहिल है तो बताती नहीं बाप से कैसे बात करते हैं। बेटा पापा से अच्छे से बात करते हैं। और उसे नहीं है पापा। अरे तुम इधर आ, चल चल। बोलिए, पेशेंट आ भी है जी। आप, मेरा मतलब है आप बाहर कूट रहे थे ना मजदूरों की तरह, लुंगी बांधे तो मैं समझा वो आप कोई मजदूर। जी जी बैठिए। हाँ ये नहीं, पैसा नहीं, आप नाड़ी दिखाइए। हाँ। जरा इधर 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 बैठिए। हाँ, बहुत गैस बन रही है, बहुत ज्यादा पेट गड़बड़ है। जी जी बिल्कुल, बहुत गैस बनी हुई है और शौच की आती नहीं है, किस्तों में जाना पड़ता है, इसलिए दफ्तर में भी लेट हो जाता हूँ। और ये गर्दन इतनी अकड़ चुकी है कि नीचे आती नहीं है, देखिए। स्वामी जी को पता था निरोग उन्हें लोगों को शरीर से भी करना है और मन से भी। तनाव ठीक होगा तो रोग ठीक होंगे। और योग एक स्वस्थ जीवन दर्शन है। योग एक उपचार की वैज्ञानिक पद्धति है जो हमें विकारों और तनाव से मुक्त कराती है। पर जिस देश ने योग आयुर्वेद की शिक्षा पूरी दुनिया को दी, उसी देश में योग आयुर्वेद का कोई भविष्य ही नजर नहीं आ रहा था। उस समय एक योगी ने मैदान में उतर करके योग को चिकित्सा विज्ञान के रूप में फैला दिया। भारत के घर घर में रोगों पर विजय पाने के उदाहरण के साथ। 2007 की बात है, मेरे बच्चे को एक आंख से दिखाई नहीं दे रहा था और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करने के बाद भी उसका जो चांसेस है वो 15% है। और बाद में जब हमने स्वामी जी के इंटरव्यू देख के अनुलोम विलोम करना शुरू कर दिया, डॉक्टर ने बोला चमत्कार है। मुझे माइग्रेन नाम की बीमारी थी, तो मेरा बहुत सर दुखता था, उसमें मुझे अनुलोम विलोम और कपालभाति प्राणायाम करने से बहुत कुछ लाभ हुआ और आज ऐसा महसूस कर रहा हूँ। भीड़ शिविरों में बढ़ने लगी, मीडिया का रोल था इसमें। टीवी सेट्स के सामने पार्क्स में लोग दिखने लगे, प्राणायाम करते, रोगों से जूझते, लोगों में उम्मीद जग गई थी। इतना सरल उपाय हो सकता है निरोगी रहने का। मैं थायराइड के लिए एल्टोक्सिन टैबलेट और प्रेलोड टैबलेट लेता था और डॉक्टर ने कहा था जब तक जियोगे जब तक लेनी पड़ेगी, और मैंने 14 साल तक गोलियां ली थी कंटिन्यू। पिछले 5 साल से मेरी गोलियां छूट गई, मेरा गुस्सा शांत हो गया, मेरे स्वभाव में परिवर्तन हो गया और इस प्राणायाम से मेरे को बहुत लाभ हुआ। लाखों लोग जुड़ने लगे और लाखों ने दान दिया। 2005 के अंत तक माने दिसंबर तक हमारी पूरी तरह से शराब छूट गई। आयुर्वेद की गोली खाई मैंने, एक महीने में मेरी शुगर जो है कंट्रोल हो गई। और चश्मा सबसे पुराना हमारा रोग जो है वो उतर गया चश्मा।
बहुत बहुत प्रणाम आपको। भारत को भारतीयता से मिलवाया, उनमें आत्म स्वाभिमान जगाया। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापित ये पौधा 10 सालों में लोगों के सहयोग से भव्य पतंजलि योग पीठ के रूप में स्थापित हो गया। और फिर जुट गए योग आयुर्वेद को जन जन में फैलाने के लिए। आयुर्वेद रोग प्रशिक्षण नाड़ी से तो है ही, यहाँ साथ में आधुनिक मशीनों से भी है। जबकि दिन शुरू होता है इस अस्पताल में हवन व विश्व कल्याण की प्रार्थना के साथ, जैसे इनके बचपन में हुआ करता था। इन योग स्थलों का उद्घाटन इन्होंने अपनी अपनी माता गुलाब देवी व सुमित्रा देवी से करवाया। जब मिलने लगा लोगों को लाभ और बढ़ने लगी लोगों की भीड़, तो इतनी बड़ी जगह भी छोटी पड़ने लगी, इसलिए निर्मित किया द्वितीय चरण का भव्य भवन। बालकृष्ण, योग और आयुर्वेद के माध्यम से हम देश और दुनिया को तो स्वस्थ बना देंगे, परंतु हरिद्वार आने वाले गरीब, बेबस और असहाय लोगों के लिए क्या? तो उनके लिए बना दी एक विशाल धर्मशाला, जहां 1,000 लोग निशुल्क रह सके और 5,000 लोग निशुल्क प्रसाद पा सके। कहीं साधनों की कमी थी समाज में और कहीं भावनाओं की, तो बना दिया पतंजलि योगपीठ ने वानप्रस्थ आश्रम, जहां वृद्ध नागरिक आत्म सम्मान और सुकून के साथ जीवन व्यतीत कर सके। उच्च गुणवत्ता युक्त आयुर्वेदिक औषधियों को बृहत स्तर पर निर्माण कर उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो देशवासियों के सहयोग से एक विशाल आधुनिक फार्मेसी तैयार करवा दी गई, जहां औषधि निर्माण के साथ विश्व के अत्याधुनिक मानकों के अनुसार अनुसंधान भी किया जाता है। क्वालिटी कंट्रोल पर हम विशेष ध्यान रखते हैं। जो प्रोडक्ट प्रमाण पे नहीं उतरता वो रिजेक्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, आचार्य जी स्वयं भी इंस्पेक्शन करते हैं। और रोगियों के कष्ट निवारण करने लगी ये जड़ी बूटियों से बनी औषधियां। जैसे ही ये विस्तार आर्थिक उन्नति लाने लगा, वैसे ही बीच में यकायक आरोप ये लगाया उस माननीय बहन ने कि स्वामी रामदेव दवाओं के अंदर आदमी की खोपड़ी मिलाकर के अनैतिक काम कर रहे हैं और देश के लोगों को धोखा दे रहे हैं। इस घटना से मन तो दुखा, पर फिर देशवासियों के प्यार और स्वीकृति ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। कुछ नहीं, ये एक षड्यंत्र है संस्था को बदनाम करने के लिए, योग और आयुर्वेद की गति को विराम देने के लिए, जो स्वामी जी और आचार्य जी इतनी तन्मयता से फैला रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उत्तरांचल सरकार ने जो नमूने असम की औषधियों से लिए थे, उसमें दवाओं में हड्डियां और मानव की खोपड़ी का नामो निशान कहीं नहीं मिला। विरोधियों ने जितना विरोध किया, उतना ही लोगों का प्यार और संस्था की शक्ति बढ़ती गई। आयुर्वेद व योग विश्वविद्यालय का काम शुरू कर दिया पतंजलि योगपीठ ने। एक बड़ा सा योग ग्राम भी बना दिया लोगों की तनाव कम करने के लिए। योग्य चिकित्सक के बिना सही चिकित्सा संभव कहां?
इसलिए आयुर्वेद कॉलेज बना दिया पतंजलि योगपीठ ने। आयुर्वेद का प्रचार न होने में योग्य चिकित्सकों की कमी और एक लंबे अंतराल तक इसके ऊपर अनुसंधान न होना है, तो तैयार होने लगे यहाँ से योग्य आयुर्वेद डॉक्टर्स। पतंजलि योगपीठ ने प्रयत्न किया जीवन दायिनी जड़ी बूटियों के संरक्षण और संवर्धन का। इतना सब कुछ कर रहे थे पर डेटा की आवश्यकता थी। दुनिया को दुनिया की भाषा में समझाने की जरूरत है, तो फिर एक काम में देरी क्यों? स्वामी जी भी जानते थे देरी और उनके प्रिय बाल कृष्ण का दूर दूर का संबंध नहीं है, तो रिकॉर्ड होने लगे कंप्यूटर्स पर स्वास्थ्य से जुड़े योग के परिणाम। देखो, राष्ट्र की सेवा मात्र एक प्रकार से ही नहीं, अपितु जहां जहां देश में दुख दर्द पीड़ा वह अभाव है, वहां वहां तक हमको जाना होगा। बिहार बाढ़ के पीड़ितों की मदद हो या सुनामी के पीड़ितों की, या देश पर कुर्बान होने वाले वीरों को सम्मान देने की बात हो, सभी कार्यों में सहायता हेतु पतंजलि योगपीठ तत्पर था। गंगा बचाओ आंदोलन पर भी सब धर्मों के लोगों को साथ लेकर गंगा को राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा दिलवाया। इसी बीच एक बड़ा कदम था जब आचार्य बालकृष्ण ने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर संजीवनी की खोज कर डाली। एक और पीड़ा का भी समाधान करना था स्वामी जी को, किसान की आर्थिक व्यवस्था में सुधार। इसको संबोधित करने का एक छोटा सा तरीका सोचा उन्होंने। एक बड़ा सा फूड व हर्बल पार्क बनाकर जहां किसानों को उनकी मेहनत का उचित दाम मिले। और गुरुकुल प्रणाली का क्या? जिस गुरुकुल की शिक्षा पद्धति ने विषमताओं में भी अविचलित रहकर पुरुषार्थ व सेवा करना सिखाया, उस गुरुकुल शिक्षा प्रणाली के प्रति लोगों को जागरूक करके बच्चों को प्रेरित करना था। इसलिए गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा का संचालन पतंजलि योगपीठ ने अपने हाथ में ले लिया। स्वामी जी महाराज की एक इच्छा थी कि हम एक ऐसे गुरुकुल का संचालन करें जहां पर आधुनिक शिक्षा और इस मिट्टी से जुड़ी शिक्षा दोनों का संगम हो। धीरे धीरे पूरे विश्व में बाबा रामदेव के योग प्रचार के कार्यों को स्वीकृति मिलने लगी। कभी न्यू जर्सी में सम्मान मिल रहा था उनके सामाजिक कार्यों को, तो कभी न्यूयॉर्क की नासू काउंटी में, और कभी ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में। स्कॉटलैंड में तो एक पूरे द्वीप पर उन्होंने भारतीय योग व आयुर्वेद की गतिविधियों को स्थापित कर योग संस्कृति का झंडा गाड़ दिया। पड़ोस में बसे नेपाल में भी योग व आयुर्वेद की गतिविधियों से लोगों का उद्धार किया। जी बेटा पूछिए। स्वामी जी, आपके पास भी हमारी तरह दो ही हाथ है, दो ही पैर है, और हम सब की तरह एक ही मस्तिष्क, लेकिन फिर भी आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हैं? स्वामी जी, एक बात तो हम सब भी आपसे जानना चाहेंगे। पिछले 10 सालों में आप दोनों के रहन सहन में कोई भी परिवर्तन नहीं है, परंतु आपकी गतिविधियों में इतनी प्रगतिशीलता के पीछे क्या रहस्य है? एक जीवन में इतना सब कुछ असंभव सा लगता है। देखो बेटा, असंभव को संभव करने का अपार सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति एवं ऊर्जा तुम्हारे ही भीतर है। बस समय का सम्मान करो। 6 घंटा नींद के लिए, 1 घंटा योगाभ्यास, 1 घंटा नित्य कर्म और 2 घंटा परिवार को देते हुए 14 घंटा बिना रुके निरंतर परिश्रम करो। एक दिन आप भी आसमान की ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचोगे। बाधाओं में रुको नहीं,
संकटों के सामने झुको नहीं और निंदाओं से विचलित ना होकर के, जब तक दम में दम है बेदम नहीं हो, जब तक ध्येय न मिल जाए तब तक आगे बढ़ते रहो। स्वामी जी, आचार्य जी, अब आपकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखो बेटा, मेरा जन्म ही आत्मोत्थान और राष्ट्रोत्थान के लिए हुआ है। मैं इस देश की मिट्टी में पैदा हुए अन्न जल को खा करके जीवित हूँ। इस देश की माँ बहन बेटियों इन करोड़ों भारतीयों की आंखों के आंसू मेरे दिल की वेदना पीड़ा और उनकी खुशहाली ही मेरी प्रसन्नता है। मेरे देश का प्रत्येक व्यक्ति सम्मान और स्वाभिमान के साथ जी, सब देशवासी समृद्ध संस्कारवान व चरित्रवान हो, एक भी व्यक्ति की मौत भूख बीमारी से ना, मेरे और मेरी अनुज बाल कृष्ण का थे योग और आयुर्वेद से देशवासियों की सेवा करना तो है ही, पर इस सबको प्रचलित करवाने के लिए और एक संस्कारवान भारत और विश्व का निर्माण करने के लिए मेरी सबसे पहले लड़ाई भ्रष्टाचार से है। भारत हम बनाएंगे, उमंग नहीं हम जगाएंगे, हम अपनी पूरी ताकत भ्रष्ट व्यवस्था इन भ्रष्टाचार को खत्म करने में लगाएंगे और भ्रष्टाचार करके झूठा हुआ देश का लगभग देश में वापस लाएंगे और एक ही दिन में भारत को गरीबी भूख अभाव एवं अशिक्षा से मुक्त बनाएंगे। चाहे शासन रास्ता रोके, चाहे खाकी दे हमें चोटे, आंखों में आंखें डाले सीने पे लाठी रोके, व्यवस्था ये बदलेंगे जान इसमें नहीं फूकेंगे, फिर अहिंसा से हम जीत पाएंगे, आत्मशक्ति हम इतनी जगाएंगे। गांव में जाएंगे सोच एक नहीं फैलाएंगे, गांव गांव में जाएंगे सोच एक नहीं फैलाएंगे, हरियाली से खुशहाली मिट जाए भूख बेहाली, तेरे जंगल तेरी नदियां हरी रहेंगी तेरी वादियां, योग से निरोगी ये दुनिया सारी होगी, योग से निरोगी ये दुनिया सारी होगी, अपने अहंकार पर जैसे पूरी विजय होगी। बोले भारत माता की, तुझे प्रणाम, बस लोगों को जगाना है, जागो और जगाओ, यही है हमारा अध्याय, न जीवन से पलायन न मौत का गम, हमें रहना है सदा संग, यही योग है। अनासक्त रहकर कर्मफल की इच्छा से रहित होकर इस ध्येय की ओर अग्रसर होना ही हमारा लक्ष्य है। स्वामी जी, इस रास्ते में कोई डर?
धैर्य जिसका पिता, क्षमा जिसकी माता, शांति जिसकी पत्नी, सत्य जिसका मित्र, दया जिसकी बहन, संयम जिसका भाई, भूमि जिसकी शैया, दिशाएं जिसके वस्त्र, ज्ञान जिसका भोजन है, ऐसे कुटुंब वाले योगी को क्या किसी का डर? Oh.